जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करेंगे हिमालय के दर्रे। पहले हम बात करेंगे हिमालय के दर्रे, उसके बाद हमने इसके बारे में एक एक बातें चर्चा करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी क्वेश्चन इससे फंसते हैं और काफ़ी क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिमालय के दर्रे। देखिए, पहले हम एक एक राज्य के बारे में चलेंगे। भारत के हम दर्रे पढ़ रहे हैं, ना कि पूरे देश के दर्रे पढ़ रहे हैं, पूरा देश का दर्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि हम किसके बात करेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे कह लीजिए, या पहले हम बात करेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे, क्योंकि अधिकतर दर्रे कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, हिमालय में देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम हिमालय के बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। तो साथियों, अगर आपने पिछली क्लास मेरी नहीं देखी है तो हिमालय की मैंने पूरी चर्चा किया है। इंडियन ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर चल रही है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। आइए शुरू करते हैं। बच्चा लोगों, क्लास छोड़ के जाना नहीं है, तभी समझ में आएगा हिमालय के दर्रे। देखिए, पहला है आपका, बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। कहाँ से बात करेंगे भैया, जम्मू जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, हेडिंग डाल लीजिए आप, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बस आपको पूरी क्लास में बने रहना है बस, ठीक है। कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। देखिए किसका, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, हेडिंग डालिए आप, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। पहला है आपका, जम्मू कश्मीर का पहला दर्रा है, सबके बारे में मैं लिखे दे रहा हूँ, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। पहला है बनी बनिहाल, क्या भैया, बनिहाल दर्रा। पहला है आपका बनिहाल दर्रा, पहला हो जाएगा क्या, बनिहाल दर्रा। दूसरा हो जाएगा पीर पंजाल, कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल, ध्यान से देखिए, एक एक बातें चर्चा होंगी यहाँ पर। तीसरा हो जाएगा बुरजिला, क्या भैया, बुरजिला बुरजिला। और चौथा हो जाएगा आपका जोजिला, क्या हो जाएगा, जो जी ला, ध्यान से देखिए। अब देखते हैं बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है, क्या लिखेंगे, बनिहाल दर्रा, ध्यान से देखिए, बनिहाल दर्रा क्या है कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ऐसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को, जम्मू को श्रीनगर से, किससे, जम्मू को श्रीनगर से, श्रीनगर श्रीनगर से, इसका मतलब समझें, मतलब कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा जोड़ता है, क्या समझ गए हैं, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा को ही क्या कहा जाता है, हिमालय का प्रमुख दर्रा कहा जाता है, हिमालय का प्रमुख दर्रा, प्रमुख 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 दर्रा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है, ध्यान दीजिए। इसी दर्रे में नाम सुने होंगे आप, जवाहर सुरंग, क्या भैया, जवाहर 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 सुरंग, जवाहर सुरंग स्थित है, क्या है, इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है या मिलती है, ध्यान से देखिए, ये बातें इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए किस एक बातें और लिख लीजिए, इसी में जवाहर सुरंग जो रोड गई है उसका नाम है 1A NH, मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1A में जवाहर सुरंग स्थित है, मतलब जवाहर सुरंग मिलती है, जो कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। कौन सा दर्रा जोड़ता है जम्मू कश्मीर को, बनिहाल दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है, बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। देखिए, अब आपके दिमाग में ऐसे भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि आखिरकार दर्रा बने कैसे। देखिए साथियों, दर्रा बने कैसे, इसके बारे में देखिए, दर्रा क्या थे, आज से बहुत पूर्व में, मतलब आज से हमारे पूर्वजों से लेके और ज़्यादा पूर्वजों से, मतलब प्राचीन में क्या था कि हो सकता है हिमालय के बनने से पहले क्या हुआ हो, कि हिमालय बनने से पहले वहाँ पर से धीरे धीरे हिमालय बन रहा होगा,
और वहाँ से कोई नदी बह रही होगी जहाँ पर दर्रा है। कह सकते हैं हम, ऐसा माना भी जाता है कि जहाँ पर दर्रा बनता है, जहाँ पर दर्रा बना हुआ है, वहाँ पर अगल बगल हिमालय उठ रहा था। क्या उठ रहा था? हिमालय उठ रहा था और बीच पर से नदियाँ बह रही थी जिससे कि दर्रा का निर्माण हो गया है। उसी को कह दिए हैं दर्रे का नाम दे दिए हैं। कहते हैं कि भाई वहाँ से कुछ नदियाँ भी बहती होंगी, क्या बह रही थी, जिससे कि वो काटती गई। क्या होती गई? काटती गई और बगल बगल से क्या होता गया कि पहाड़ियाँ और हिमालय का निर्माण होता गया और प्रतिदिन ये उठता चला गया, भारी होता गया। ठीक है, तो वो जो नदियाँ जहाँ से बह रही थी वो नदियों का जगह क्या हुआ कि सूख गई, नदियों का समापन हो चुका, जिससे कि वो किसका रूप धर ली? हिमालय में एक दर्रे का रूप धर ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर दर्रा नहीं होगा आपके हिमालय में, अगर हिमालय में दर्रा नहीं होगा तो बहुत कष्ट होंगे। अगर आपको कहीं जाना है या कहीं से कुछ करना है तो वो क्या होते हैं कि आपको चढ़ करके जाना पड़ेगा, क्या होकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे जीवन के लिए भी, और जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हिमालय में जाने के लिए भी। ठीक है, देखिए तो क्या है कि बनिहाल दर्रा आपका जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। क्या करता है? श्रीनगर से जोड़ता है। यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। मतलब ये बात है कि जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे, यही दर्रा जब जाता है इसी दर्रे में स्थित है। मतलब यही दर्रे से होकर के आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जम्मू को कश्मीर से, जम्मू से श्रीनगर जाने को रास्ता होता है। यही सुरंग से आप गुजरते हुए जाएंगे। कहाँ गुजरते हुए जाएंगे? यही सुरंग से आप गुजरते हुए श्रीनगर को जाएंगे, यदि आप जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो। कौन सा हाईवे है? N1ANH। क्या है? नेशनल हाईवे 1A। क्या नाम है? नेशनल हाईवे 1A, जो कि आपका क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है या किस दर्रे पर स्थित है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है, तो जवाब क्या रहेगा आपका? बनिहाल दर्रे में। क्या है भैया? बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। क्या है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, ध्यान रखना। बात करते हैं पीर पंजाल की, थोड़ा मैं इसको राशन दे दूं क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है भाई साहब। देखिए पीर पंजाल जो है ये क्या करता है, जम्मू को, ध्यान से देखिए, ये क्या करता है, जम्मू को किससे जोड़ता है? जम्मू को ये रजौरी से, किससे? रजौरी से जोड़ता है। जम्मू को रजौरी से जोड़ता है। क्या करता है? जम्मू को पीर पंजाल दर्रा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जम्मू को रजौरी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है। इसको ध्यान में रखना, जितनी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ, ज़्यादा इसमें भारी भरकम वाली बातें नहीं है। अब बात करते हैं बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा क्या होता है भैया? बुर्जिला दर्रा ये क्या करता है कि श्रीनगर को, क्या भैया? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। किससे? गिलगिट से जोड़ता है, लिख लेना, गिलगिट से। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, ध्यान में रखना। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को ये गिलगिट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? गिलगिट से जोड़ता है। जोजिला दर्रा की बात करते हैं। देखिए जोजिला दर्रा, यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है बनिहाल दर्रे और जोजिला दर्रा से। क्या करता है? बनिहाल दर्रा और जोजिला, बाकी आप सबको याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से उठा करके क्वेश्चन दे दे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए जोजिला दर्रा क्या है कि जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर, क्या है? जास्कर श्रेणी पर स्थित है। मैंने बताया हुआ है कहाँ पर? जास्कर श्रेणी में, ट्रांस हिमालय में आपकी तीन श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसमें क्या है कि जोजिला दर्रा आपकी जास्कर श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जास्कर श्रेणी पर, पहले देखिए किससे किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर को लेह को, लेह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह से। लेह की बात करें, देखिए लेह की बात करें अगर, तो लेह क्या होता है, लेह लद्दाख आप देखेंगे, लेह लद्दाख, मैंने तीनों बातें की थी। पहला है ऊपर आपका कौन सी श्रेणी हो जाएगी,
काराकोरम श्रेणी नीचे हो जाएगी आपकी लद्दाख, और फिर हो जाएगी आपकी जास्कर। क्या है कि जो ये लेह है ये आपकी जास्कर श्रेणी, यहाँ पर आपका लेह स्थित है, लेह वाला भाग स्थित है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि ये दर्रा है जो कि क्या करता है ये लेह को जोड़ता है। इसी से हमारे जो सैनिक होते हैं ये कहाँ पर जाते हैं, काराकोरम वाले भाग पर या काराकोरम वाली श्रेणी पर जाते हैं या लेह वाले लद्दाख पर जाते हैं, इसी वाले दर्रे से होकर के जाते हैं, मतलब लेह के जरिए लेह वाले भाग से होकर के जाते हैं। कौन? सैनिक वगैरह जो होते हैं वो जाते हैं, ध्यान रखना। तो किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से यह दर्रा जोड़ता है। और देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात, यह क्या हुआ है कि सिंधु नदी की वजह से निर्माण हुआ है। किसकी इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। किससे हुआ है? सिंधु नदी से हुआ है, ध्यान रखना। इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। क्या है? सिंधु नदी से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस दर्रे का निर्माण, मतलब भैया देखिए कॉकरोच आ गया, बहुत हरियाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। जोजिला दर्रा आपका क्या करता है कि सिंधु नदी से हुआ है। किसका? जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। ये क्या करता है कि यहाँ पर अब बात पूछेगा, यहाँ पर क्या पूछ लेता है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। तो याद रखिएगा 1D, क्या 1D? नेशनल हाईवे जो है 1D नेशनल हाईवे आपका क्या करता है, जोजिला दर्रा क्या करता है कि 1D नेशनल हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्या जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह क्या है? एक जास्कर श्रेणी का क्या है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। क्या है? जास्कर श्रेणी में स्थित है। समझ में आ गया? जोजिला दर्रा, फिर से बता रहा हूँ, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो कि सिंधु नदी से इसका निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? सिंधु नदी से इसका निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? सिंधु नदी से इसका निर्माण हुआ है। और जो जोड़ता है दर्रा, जो जोड़ता है, अगर उसमें नेशनल हाईवे पूछ रहा है कि श्रीनगर को लेह से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो 1D क्या नाम देंगे, 1D नेशनल हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन जास्कर श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा, ध्यान रखना, याद करने लीजिए। जा से हो गया जोजिला, और जा से हो गया जास्कर। क्या हो गया? जा से हो गया जोजिला, और जा से हो गया जास्कर। ये इंपॉर्टेंट है कि जास्कर श्रेणी में स्थित कौन सा दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक बात ध्यान में रख लेना। इतनी बातें ध्यान में आ गई, आइए शुरू करते हैं दूसरा। बच्चों लोगों, चैनल पे अगर नए हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सपोर्ट कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, ठीक है ना? पहले तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है? रात का समय है, रात के बज रहे हैं कितने भैया? रात को बज रहे हैं 1 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 1 बजने वाले हैं। 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है? दूसरा है आपका, आइए देखते हैं। पहला पढ़ चुके हैं जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे, दूसरी बात करेंगे लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख के दर्रे, ठीक। आइए एक एक बातें करेंगे, प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। नाम सुने होंगे आप, अभी मैंने बताया काराकोरम दर्रा। क्या भैया? काराकोरम दर्रा वो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ये क्या करता है ध्यान से देखिए, लद्दाख में काराकोरम दर्रा स्थित है, यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। क्या? किसको जोड़ता है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है, चाइना। किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। अगर पूछ ले कि चीन के किस जगह पर जोड़ता है, तो नाम उसका लिख लेना सिनजियांग। क्या भैया? सिनजियांग सिन
जी यांग, सिंजी यांग, सिंजियांग में, सिंजियांग से, ठीक, चीन के सिंजियांग से जोड़ता है, क्या करता है, चीन के सिंजियांग से लद्दाख को, चीन के सिंजियांग एक जगह है कहाँ पर, चीन में, जो कि वहाँ पर क्या जोड़ता है, लद्दाख को चीन के सिंजियांग से कौन सा दर्रा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है। देसी देखिए दूसरा है खार दुंगला, कौन सा दूसरा हो जाएगा, खार, इसके बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखिए कौन सा, काराकोरम, काराकोरम क्या है कि काराकोरम यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, क्या है, भारत का, भारत का, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, कौन सा दर्रा, काराकोरम भारत का सबसे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे सबसे ऊंचा दर्रा है, लिख लेना, ये बहुत पूछा जाता है, दर्रा है, कौन सा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, कौन सा है, काराकोरम दर्रा है, यह कहाँ स्थित है, जम्मू के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, लिख लेना ये बात, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात खार दुंगला, खार खार दुंगला, दुंग दुंगला, खार दुंगला, ध्यान रखना, खार दुंगला दर्रा क्या करता है, खार दुंगला दर्रा, स्योक, बात करें स्योक, स्योक को नुब्रा, नुब्रा घाटी से जोड़ता है, क्या करता है, स्योक को नुब्रा घाटी से, स्योक को, स्योक आपका एक क्या है, जैसे आपका एक जिला है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक स्योक जिला है, जो कि एक जगह है, क्या है, जगह है, जो कि स्योक को, स्योक को कहाँ से जोड़ता है, नुब्रा से, किससे भैया, नुब्रा से, क्या, नुब्रा से जोड़ता है, कौन सा, खार दुंगला दर्रा स्योक को, स्योक को नुब्रा से जोड़ता है, यह लद्दाख में, क्या है, यह लद्दाख जिले में स्थित है, क्या लिख लेंगे, लद्दाख में, यह लेह जिले में स्थित है, लिख लीजिए यही, लेह में स्थित है, लेह में, लेह में स्थित है, लेह जिले में, लिखिए लेह जिले में, लेह, जैसे आपको जल्दी समझ में आए, लेह जिले में स्थित है, बताया, स्योक एक जगह है जो कि नुब्रा से, नुब्रा, नुब्रा जो कि नुब्रा को जोड़ता है, स्योक को नुब्रा से जोड़ता है, ये किस जिले में है, लेह जिले में स्थित है, कौन सा दर्रा, खार दुंगला दर्रा स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पूछा जाता है। तीसरा है आपका चांगला, क्या भैया, चांगला, चांगला, चांगला नाम ही ऐसा है, चांगला, क्या कौन सा है, चांगला है, इसका नाम चांगला है, ठीक है। देखिए चांगला दर्रा क्या करता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, लद्दाख को, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत, तिब्बत की बात आती है, तिब्बत से जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत से, याद रखना, लद्दाख को तिब्बत से चांगला दर्रा जोड़ता है, जो कि आपको मैप में ऐसे आप देखेंगे, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला भाग हो गया, समझाई दे रहा हूँ आपको, अगर मैप की दृष्टि से आप अगर खोल के देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर स्थित है ये, मान लीजिए ये आपका भारत है, क्या है, ये आपका भारत है, और ये चला गया है, जिससे कि ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ये दर्रा देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, इधर तिब्बत वाला भाग हो जाएगा और ये आपका लद्दाख वाला जगह हो जाएगा, जिससे कि क्या करता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, ठीक है। आइए हिमाचल प्रदेश के दर्रे, अब बात करेंगे कि जम्मू लद्दाख के दर्रा हो गया, अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, लिख लीजिए हेडिंग डाल के लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझ लीजिए कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या
नहीं है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। या हिमाचल प्रदेश के दर्रे या हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे। पहला हो जाएगा आपका हिमाचल में। बारा ला चला बारा, देखिए ब रा ला चला, बारा ला चला दर्रा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाम है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम अजीबो गरीब है भाई, बारा ला चला दर्रा, बड़ा नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है, मंडी को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है, क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछा जाएगा कि हिमालय में मंडी को तिब्बत से, हिमाचल को मंडी को तिब्बत से, मंडी बात करें, मंडी आपका एक जगह है, क्या है, जगह है जो कि कहां पर स्थित है, हिमाचल में स्थित है। कौन स्थित है भैया, हिमाचल में मंडी एक जगह है जो कि हिमाचल में स्थित है, जो कि किससे किसको जोड़ता है, मंडी को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा, बारा ला चाला दर्रा जोड़ता है, कहाँ पर जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में जोड़ता है, याद रखना ये बात। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है, क्या है, यह जास्कर श्रेणी में अभी बता चुका हूँ, जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सा, बारा ला चाला दर्रा, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है जो कि कहाँ पर है, मंडी को तिब्बत से ये क्या जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी आपकी कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेकर के ये हिमाचल प्रदेश तक भी फैली हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर के जास्कर श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। तो क्या करता है कि यह एक जास्कर श्रेणी में स्थित ये वाला भी दर्रा है, बारा ला चाला दर्रा। क्वेश्चन की बात करें कैसे पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी पर स्थित, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी पर स्थित कौन सा दर्रा है, या पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी पर स्थित मंडी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो नाम क्या होगा उसका, बारा ला चाला दर्रा। नाम अजीब है लेकिन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा इसको राशन दे दें, एक बात और ध्यान रख लीजिए, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नाम सुने होंगे आप, सिप कीला दर्रा, इसको हम थोड़ा राशन दे दें भैया साहब, ज़्यादा दे दिए इसको, देखो राशन इसको ज़्यादा मिल गया, ये बहने लगा, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। सिप कीला दर्रा ये भी आपका कहाँ स्थित है, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिप कीला दर्रा भी आपका कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। यह भी आपका कहाँ है, यह भी जास्कर श्रेणी पर स्थित है। ये किसको किसको जोड़ता है, जोड़ने के बाद लिख लीजिए किन्नौर को तिब्बत से अगर बात कर दे कि तिब्बत के किस जिले से जोड़ता है तो नाम लिख लीजिए, उस जिले का नाम है जांदा जिला है जो कि सिपकीला दर्रा किन्नौर को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। समझ में आ गया होगा, फिर से बता रहा हूँ, सिपकीला दर्रा किन्नौर को तिब्बत के जांदा जिला से जोड़ता है, ठीक है। अब ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर तीसरा है आपका, इसके हिमाचल के प्रमुख दर्रे, तीसरा है आपका नीति दर्रा, कौन सा हो जाएगा, नीति दर्रा की बात करें, नीति दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो कि आप देखेंगे कैलाश और मानसरोवर,
क्या है, कैलाश और मानसरोवर के लिए इससे क्या होकर के जाता है, रास्ता होकर के जाता है। यदि अगर हमको जाना पड़ जाए, कहाँ जाना पड़ जाए, कैलाश पर्वत जाना पड़ जाए या मानसरोवर जाना पड़ जाए, तो हम किस दर्रे से होकर के जाएंगे, तो नीति दर्रा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उससे हम होकर के कहाँ जाएंगे, कैलाश पर्वत, कैलाश पर जाएंगे या मानसरोवर पर जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, नीति दर्रा, नीति दर्रा, कैलाश, 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 कैलाश और मानसरोवर, कैलाश मान सरोवर को रास्ता जाता है, मान सरोवर, सरोवर को रास्ता जाता है, क्या जाता है, रास्ता, रास्ता जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, नीति दर्रा कैलाश, कैलाश और मानसरोवर के लिए रास्ता जाता है, किससे जाता है, कैलाश नीति दर्रे से होकर के जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा इसको मैं रफ कर दूँ, इतनी बातें आप याद रख लीजिए। ये सब हम किसकी, कौन से दर्रे की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे के, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। लिख लीजिएगा इसको, अति इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं सभी दर्रे। YouTube पर आपको काफ़ी लोगों की क्लास मिलती होगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। यदि आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हों, UPPCS वगैरह, UPPCS, UPSI, जिस चीज़ की भी अगर आप तैयारी कर रहे हों, तो आप बने रहिए, पढ़ डे मुझसे मिलिए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जा करके कमेंट करिए, एक एक चीज़ों का जवाब मिलेगा। ठीक है, चौथा दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश का, कौन सा दर्रा, चौथा दर्रा है लिपु लेक, लिख लीजिए, लिपु लेक, लिपु लेक, लिपु लेक दर्रा, कौन सा दर्रा है भैया, लिपु लेक दर्रा है। ये क्या करता है, कुमायूं को, किसको, कुमायूं, कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, तिब्बत से, तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, लिख लीजिएगा, लिपु लेक दर्रा जो है ये कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर तिब्बत से तो बहुत दर्रे जोड़ते हैं, तिब्बत से अधिक दर्रे जोड़ रहे हैं, हर चीज़ का एक नाम है। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताइए कि कुमायूं को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ठीक है ना, जब एक कोई दर्रा होगा, जब एक कोई दर्रे की बात करें, जब एक कोई दर्रा होगा, तब आप उसमें पूछा जाएगा कि इस दर्रे से कौन सा ये जोड़ता है। मतलब तिब्बत से मान लीजिए कोई एक दर्रा था, तो तिब्बत से कोई एक दर्रा जोड़ रहा हो, तब तो उसको हम कहेंगे कि भाई तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रे का नाम लिखिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तमाम दर्रे जोड़ रहे हैं तो भाई यहाँ पर भारत में भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो भारत में ये पूछा जाएगा कि कौन सा दर्रा है जो कि कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। कुमायूं अगर दे दिया तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे, कि लिपु लेक दर्रा, तब नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लिपु लेक दर्रा जो है वो आपको कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए चौथी बात करते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड में तो अधिक बहुत दर्रे हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे पहले हैं आपका, यहाँ पर आपको ऑप्शन केवल एक ही दिया जाएगा, क्योंकि एक ही दर्रा क्या है, एक जगह से ही तमाम दर्रे हैं, क्या है, एक जगह से ही तमाम दर्रे हैं, जिससे कि आपको एक पहला दर्रा है आपका माना दर्रा, पहला है आपका माना दर्रा, माना दर्रा, ये क्या करता है, माना दर्रा पिथौ, क्या नाम था, पिथौरागढ़ भैया साहब नाम ही ऐसा था, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा है आपका उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे,
या कह लीजिए प्रमुख उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, मांगला क्या है? मांगसा भैया, मांगसा दर्रा दूसरा हो जाएगा आपका, मांगसा दर्रा। ये क्या करता है? ये भी क्या करता है? पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। और तीसरा हो जाएगा मुनिंग, मुनिंग दर्रा क्या करता है? ये भी पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। तो तीन दर्रे हैं इसमें, उत्तराखंड के तीन दर्रे जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? कि माना दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, मांगसा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, और मुनिंग दर्रा क्या करता है? पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, भारत का ढांचा है, क्या है भारत का नक्शा है ये। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, उत्तराखंड है। यहाँ पर हाँ मान लीजिए यहाँ पर आपका उत्तराखंड स्थित है। तो ये क्या है कि यहाँ ही पर ये तीनों दर्रे हैं, क्या हैं? यहीं पर ये तीनों दर्रे स्थित हैं, जो कि आपको पिथौरागढ़ उधर आपको जगह है, वहीं से तीनों दर्रे ये आपको जोड़ते हुए तिब्बत से पिथौरागढ़ में, मतलब पिथौरागढ़ आपका इधर इधर स्थित है और तिब्बत इधर स्थित है। इधर आपका ये तिब्बत वाला पठार है, तिब्बत वाला मैदान आपको ये दिख रहा है, मैप उठा के देखिए। तो क्या करता है कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले तीन दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं भैया? तीन दर्रे हैं, जिनका नाम है माना दर्रा, मांगसा दर्रा और मुनिंग दर्रा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक दिमाग और आपकी, यहाँ पर तो सर तीन दर्रे हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइए हमको कि पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन में क्या रहेगा? या तो माने दर्रा रहेगा, या तो मांगसा दर्रा रहेगा, या तो मुनिंग दर्रा रहेगा। तीनों नहीं रहेंगे ऑप्शन में, क्या है केवल एक ही ऑप्शन में, केवल ऐसा रहेगा कि एक ही नाम रहेगा, बाकी तीन अलग नाम होंगे, एक ही फाइनल आंसर होगा। या तो यही नाम दे दिया जाएगा, या तो यही नाम दे दिया जाएगा, या तो यही नाम दे दिया जाएगा। जब बात आएगी पिथौरागढ़ से, तिब्बत से, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे की, तब ये तीनों के दर्रे का नाम आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। समझ में आ गया? तो हमने बात कर ली चार दर्रों के बारे में, कश्मीर दर्रा पहला हो गया, लद्दाख दर्रा और हिमाचल दर्रा और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रों के हम चार राज्यों के बारे में चर्चा कर ली, भारत के चार जगहों के बारे में हमने चर्चा कर ली, चारों लिखे हुए हैं, इतने के बारे में हमने, इनके प्रमुख दर्रे, इन चारों के प्रमुख दर्रों के बारे में हमने चर्चा आज कर ली। धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम सिक्किम के और भी अरुणाचल प्रदेश के सबके बारे में हम एक एक करके, भारत में जितने भी दर्रे हैं, मैं कहता हूँ भाई साहब पूरे क्लास में आप बने रहो, दर्रे से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। छोटा सा भी छोटा क्वेश्चन आएगा तब पे भी मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है कंटेंट, जो भी आपको ये दिख रहा है, मैंने एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हुई है कि माना दर्रा, मांगसा दर्रा, मुनिंग दर्रा क्या है, मानंग दर्रा, इसको आपको केवल कोई और अगर यूट्यूब पर आप पढ़ेंगे तो आपको केवल ये बता दिया जाएगा कि तिब्बत कोई ऐसे ही टीचर होंगे जो कि आपको एकदम डीपली घुस करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सब नहीं पढ़ाते हैं, उनको क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट करवाने में लगे रहते हैं और पैसा पेड करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई फीस नहीं लग रही है। मोहब्बत से पढ़िए, एकदम कोई ज़बरदस्ती नहीं है, शानदार ज़बरदस्त रहिए जहाँ भी रहिए। तो दर्रे के बारे में हमने चर्चा कर ली है साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके भी बारे में उस वाली क्लास में भी हम दर्रे की क्लास लेंगे, ठीक है। भारत का एक भी दर्रा छूटने नहीं पाएगा, भारत में चाहे जहाँ पर स्थित हो, मैं कहता हूँ चाहे जहाँ पर स्थित हो, लेकर के जम्मू से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी स्थित हो, ठीक है ना, जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच में कहीं भी स्थित हो, अगल बगल इधर उधर कहीं भी स्थित हो, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साथियों अगर आप अभी नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, पिछली क्लास को लेकर के कोई क्वेश्चन हो, यदि इस क्लास को लेकर के कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ, बने रहिए। नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए,
जय हिंद।